आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान के झंडे और पुतले जलाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी क्या नीति है, इस खून खराबे को लेकर के आप कोई भी बयान नहीं जारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जम्मू कश्मीर में खून खराबे को रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। और इसके साथ साथ आज गृह मंत्रालय की मीटिंग हो रही है और जिसमें तमाम हमारे जम्मू के डीजीज, पुलिस के आला अधिकारी वहां पे शामिल हो रहे हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करते हैं कि वे आप उन लोगों को जो मीटिंग हो रही है उच्च स्तरीय, उन्हें हिदायत जारी करें कि जम्मू कश्मीर में खून खराबे को रोका जाए। ये जो दो किलिंग श्रीनगर के अंदर हुई है उसको विरोध अभ्यास के अंदर प्रकट करने का प्रयास करना चाहता हूँ और पाकिस्तान बाजाने का प्रयास नहीं करना चाहता। पाकिस्तान लगातार OYC के अंदर जितने भी मुस्लिम कंट्री थी कश्मीर के विषय के अंदर रेजोल्यूशन पास करने का प्रयास करा, लेकिन वहाँ भी मुँह की खाने पड़ी उसको OYC, जिसमें सारे मुस्लिम कंट्री थी, लेकिन दो व्यक्तियों को मार करके। और पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, गुपकार गैंग वो गैंग बन करके हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने का, कश्मीर के अंदर कब्जा करने का प्रयास करना चाहता है। और ये जो दो किलिंग हुई हैं, महबूबा मुफ्ती सिर्फ पाकिस्तानी नेता ज़ियाउल हक, उसको जिन्ना, उसको वही याद आने का प्रयास हो रहा है, उसको जिन्ना बड़ा याद आ रहा है, जिसको जिन्ना याद आ रहा है उसको जिन्ना के पास भेजो, जिसको ज़ियाउल हक याद आ रहा है उसको ज़ियाउल हक के पास भेजने का प्रयास करो। वो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर क्या करने का, कल मैंने देखा उसको हार डाल करके, जिन लोगों ने जम्मू के अंदर हार डाला उसको, जो पाकिस्तान की बात करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसे कि तीन हमारे जो अहम जो हमारे मुद्दे हैं, पहला जो डिलिमिटेशन की जो इंटरिम रिपोर्ट जो आई है उसमें जो 6 सीटें जम्मू की और 6 जम्मू की और 1 कश्मीर से बढ़ाई गई हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लिए जस्टिफाइड नहीं है। हमारे जहाँ के हमारी 9 सीटें बनती थी, 11 नहीं तो 9 सीटें हमारी बनती थी और 13 सीटें एसटी की बनती थी, और जहाँ तक इन्होंने हमारी 7 ही सीटें रखी हैं और एसटी की 9 सीटें रखी हैं। पहले जो 11 कह रहे थे लेकिन 9 ही सीटें उसकी रखी हैं, ये टोटली जस्टिफाइड है। हम कहते हैं अगर ऐसा करना है तो टोटली बंद ही कर दो, देनी है तो पूरी दो नहीं तो बंद कर दो, और इस पोलिटिकल रिजर्वेशन। और इसके साथ दूसरी बात यह है कि जो एसटी का जो स्टेटस है उसे डिल्यूट करने जा रहे हैं, पहाड़ी सिपिंग के लोगों को जो उनका स्टेटस देने जा रहे हैं। फॉरेस्ट कमिश्नर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी से भीख मांगते हैं, कोर्ट ऑर्डर को लागू करो, कोर्ट जजमेंट को लागू करो, फॉरेस्ट कमिश्नर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कमिश्नर ऑर्डर को लागू करो, कोर्ट जजमेंट को लागू करो, कोर्ट जजमेंट को लागू करो, we want justice, SSRB, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एस्पिरेंट्स है साल 2010 के और 2013 के। हमने साल 2010 और 2013 में इन पोस्ट्स में भरा था, इसमें एक अदालती स्टे आ गया और हम सब ने मिलकर पैसे जमा करके वो स्टे वकेट करवाया। विद इन दैट पीरियड हम बहुत बार दोनों डिपार्टमेंट्स के पास गए, SSRB के पास भी और जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी, जिन्होंने हमें बहुत तजलील करके वहाँ से निकाला। जी हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स। हम तो 3 साल से ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और ख़ासकर हमारी जो ड्यूज़ थी वो भी बंद थी, जो हमारी वेजेस निकलती थी वो भी बंद हो गई थी 3 साल पहले ही। 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हमारा ये है कि ये तो अभी इजाफा हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर पिछले 3-4 दिन के मुकाबले में ऑन एन एवरेज 4-5 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। आने वाले दिनों में एंडिंग दिसंबर तक अभी मौसम अमूमन ऐसे ही रहने का इम्कान है, अभी कोई बराबरी का फोरकास्ट नहीं है। 26 तारीख तक 26 को ओवरऑल रहेगा, 27 को फिर ओवरकास्ट, 28 को भी ऐसे ही रहेगा। 26, 27 और 28 के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ होने का इम्कान है, 2-3 इंच तक हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के पड़ेंगे बर्फ़, चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी हम फिर भी मॉनिटर कर रहे हैं, कभी कभी जैसे पहले प्रिडिक्शन था कि 23 से 25 तक हैवी स्नोफॉल का, अभी वो जैसे वो विड्रॉ हुआ है, मतलब थोड़ा कमज़ोर हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
तो अभी जो पहले अलर्ट था वो थोड़ा हमने उसको डाउनग्रेड किया था, उसी तरह अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो हम अपग्रेड करेंगे, अभी ये सिर्फ अलर्ट है लोगों को 26-27 के दौरान बर्फ़ होने का इम्कान है, जम्मू रीजन में बारिश होंगे और लद्दाख के खास करके कारगिल रीजन में दरमियान दर्जे के बर्फ़ होने का इम्कान है, दो जिला साइड में 26-27 के दौरान हैवी भी हो सकता है, सर्दी इतना ज़्यादा